फ्रेंड्स इन टोडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फॉर एम एस सी बॉटनी थर्ड सेमेस्टर तो आज के इस लेक्चर में हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और ये थर्ड सेमेस्टर एम बॉड थ्री ज़ीरो सिक्स कोड का ये लेक्चर होगा और जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू एच हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होंगे और टॉपिक है बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनजियपम वन तो दरअसल एक्चुअल में एम एस बॉटनी में एनजियपम वन और एनजियपम्प टू है तो जो एनजियपम वन का सिलेबस है वो हमारे थर्ड सेमेस्टर में है जबकि जो एनजियपम टू है वो हमारे फोर्थ सेमेस्टर में किया गया है ये सी मोड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे जो भी हमारा क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पेपर है हालांकि मैंने इसमें जो प्रीवियस ईयर है उसके बारे में भी बात की है और जो करंट पेपर का स्टाइल है आने का तरीका है उसके बारे में भी हम बात करेंगे सो लेट स्टार्ट विद दिस वीडियो सो लेट स्टार्ट तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले ये बायोडावर्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनजीओ वाला जो पोर्शन था ये पेपर एट में आता था एम एस सी सेकेंड सेमेस्टर में लेकिन अब ये सी बी एस के अकॉर्डिंग किस में आता है अब ये थर्ड सेम का पार्ट है और जो मैक्सिमम मार्क्स उस वक्त दिए जाते थे वो सिक्सटी थे लेकिन अब के वक्त जो मैक्सिमम मार्क्स का लिमिट है वो कितना है फोर्टी है ये सारे बच्चों को पता है लेकिन क्योंकि जो पैटर्न है जो क्वेश्चन हैं वो उसी सिलेबस के हैं इसलिए देखिए आप यहाँ पर थ्री आर का क्वेश्चन होएगा और जो भी आपके पास फाइव क्वेश्चंस हैं वो आपने अटेंड करने हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है वो आया हुआ है कि थ्योरीज़ को एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है डिस्कस द वेरियस थ्योरीज प्रपोज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है सेकेंड क्वेश्चन है विद सुटेबल एग्जाम्पल यू हैव टू कंपेयर द फनेटिक एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन तो फनेटिक और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है फेनेटिक हम न्यूमेरिकल टिक्सोनोमी को भी बोलते हैं तो और फाइलोजेनेटिक जो है वो हमारा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट आया है वो कंपैरिजन है फनीटिक और फाइलोजेनेटिक का जो बी वाला पोर्शन है वो है मैरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ बैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो यहाँ पे आपने बैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो उसके प्लस पॉइंट हैं और जो माइनस पॉइंट है आपको क्या करना है उसको डिस्कस करना है इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर पूछा हुआ है जिसमें कि लिखा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग तो फर्स्ट पार्ट है प्रिंसिपल एंड प्रायोरिटी एंड इट्स लिमिटेशन दूसरा पार्ट है टाइप मेथड, तीसरा है सिनोनिम और टाटा निम्स के होते हैं और चौथा दिया है कि ऑथर की साइटेशन तो जिसको अगर नहीं पता हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भी सकता है या हम इसके ऊपर फर्दर वीडियो जो हैं वो अपलोड कर देंगे तो ऑथर की साइटेशन जो है वो कैसे दी जाती है क्वेश्चन नंबर फोर है राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन द फॉलोइंग दैट इज स्पीशीज कॉन्सेप्ट एंड टेक्सोनोमिकिरारकी तो यहाँ पे स्पीशीज कॉन्सेप्ट और टेक्सोनॉमिक हिरारकी के बारे में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव दिया है विद सुटेबल एग्जाम्पल यू हैव टू डिस्कस द रोल ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन सॉल्विंग द टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो एम्ब्रियोलॉजी का क्या योगदान है जो भी हमारी टेक्सोनोमी है उसमें प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछा है क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया हुआ है राइट कंसाइज नोट ऑन द फॉलोइंग तो क्लेडियास्टिक्स के बारे में और दूसरा है हमारा न्यूमेरिकल टिक्सोनोमी जिसको कि हम क्या बोलते हैं फनेटिक्स बोलते हैं तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन पीछे भी आया हुआ है बस टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर सेवन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग जिसमें कि इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ हर्बेरियम है बोटेनिकल गार्डन एंड देयर इम्पॉर्टेंस है क्वेश्चन नंबर एट आप देख रहे हैं कि आपको बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस करने हैं कंजर्वेशन के और वेरियस मेथड्स इन सी टू एक्स सी टू कंजर्वेशन इन साइड ऑफ साइड कंजर्वेशन जो भी फॉलो की जाती है उसमें जो भी मेथड्स आते हैं कि बोटेनिकल गार्डन आएगा कि हर्बेरियम आएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगी कि नेशनल पार्क आएंगे या बायोस्फीयर रिजर्व हैं इनको आपने क्या करना है यहाँ पर डिस्कस करना है इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नाइन क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर नाइन में दिया हुआ है कि यू हैव टू गिव कंसाइज अकाउंट फॉर लोकल प्लांट डाइवर्सिटी जैसे मान लो अभी हम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की बात करते हैं तो यहाँ की जो लोकल प्लांट डाइवर्सिटी है उसके बारे में आपने बताना है साथ में ये भी बताना है कि उसके सोशियो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है बी पार्ट दिया है हॉटस्पॉट एंड देयर सिग्निफिकेंस कि हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं ऑब्वियसली जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है ऐसी जगह को आप बोलते हैं हॉट स्पॉट्स और इनका सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली इनको हम क्या करेंगे कंजर्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर टेन क्या दिया हुआ है एक्सप्लेनेटरी नोट्स दो के ऊपर आपने लिखना है जिसमें कि फर्स्ट है हमारे पास प्लांट इंट्रोडक्शन फिर है हमारे पास कंप्यूटर एंड डेटा बेसिस एज एड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन और साथ में है हमारे पास इनपुट्स फॉर टेक्सोनॉमी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की टोटल टेन क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पर एंड यू हैव टू अटेंड ऑनली फाइन अ लॉट ऑफ चॉइस इज़ देयर इसी तरह से अब हम बात करेंगे जो करंट सी बी एस मोड है जिसको कि अब ये बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ एन जी को एम बॉड थ्री ज़ीरो सिक्स की फॉर्म में थर्ड सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस किया है हालांकि सिलेबस बराबर ही है तो मैक्सिमम मार्क्स कितने 40 हैं अब फोर्टी हैं यहाँ पे भी आपको ज़्यादातर फ़ाइव क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं बाकी एग्जामिनर की अपनी मर्जी है कि वो किसी भी हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट कर सकता है आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज है फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ लेटर टू जोसफ हुकर डार्विन कार्ड एवोल्यूशन ऑफ एंजुस्पम एज एबोनिबल मिस्ट्री एलेबोरेट विद एग्जाम्पल तो यहाँ पर हम बताएंगे कि जो भी हमारे पास डार्विन uh, है उसने एवोल्यूशन को क्योंकि एंजुस्पम की जो ओरिजिन uh, है वो थोड़ा सा मिस्टीरियस है तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर टू क्या दिया है टाइप मेथड ये मैंने आपको पहले भी बताया प्रीवियस में भी आया हुआ है टाइप मेथड क्या है एंड व्हाट आर द फंक्शन इन टेक्सोनोमी क्या फ़ायदा होता है टाइपिफिकेशन का हॉलो टाइप नियो टाइप आइसो टाइप का उसके बाद है डिस्कस द रोल ऑफ आई सी एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमन क्लेचर फॉर एलगी फंजाई प्लांट्स रिलेटेड टू द टाइप मैथड इसी तरह से क्वेश्चन नंबर टू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर टू है राइट ब्रीफ अबाउट द मोनोफाइलेटिक पॉलीफाइलेटिक थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द एंजियोस्पर्म व्हाट आर द टू मेजर रीजन नेम में बी रिजेक्टेड अगर किसी भी साइंटिफिक नेम को रिजेक्ट किया जाता है तो क्यों करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है वॉट कैन यू इन्फर फ्रॉम पोरोफाइलम ग्रसेलाई बेंथ आप इससे क्या समझते हैं मतलब कि आपको ये बताना है कि यहाँ पे साइंटिफिक नेम कौन सा है जीनस कौन सा है ऑथर कौन सा है और इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में क्यों लिखा जा रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज फोनेटिक क्लासिफिकेशन एंड एड्स लिमिटेशंस क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है थर्ड में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आर कंसिडर्ड बेटर एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन तो आपने यहाँ पर कुछ फाइलोजेनेटिक क्लासीफिकेशन को बताना है कि क्यों उनको बेटर कंसीडर करते हैं क्या इनके प्लस पॉइंट्स हैं क्वेश्चन नंबर फोर दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू हैव टू एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर द हर्बेरियम शीट उसके बाद दिया है नेम थ्री इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड विद देयर हेड क्वार्टर्स आपको बोटेनिकल गार्डन के बारे में बताना है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ बोटेनिकल गार्डन क्वेश्चन नंबर फाइव आपके पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फाइव है व्हाट आर द मीन्स ऑफ प्लांट इनवेजन कि प्लांट इनवेजन वैजन एलिन स्पीशीज इन्वेजन क्या होता है डिस्क्राइब इंटेंशनल एंड अन इंटेंशनल प्लांट इंट्रोडक्शन तो कई बार तो प्लांट्स को हम जानबूझकर इंट्रोड्यूस करवाते हैं कई बार अनजाने में प्लांट्स जो हैं वो अन इंटेंशनली भी प्लांट इंट्रोड्यूस हो जाता है हाउ प्लान्टवैसिव स्पीशीज़ चेंज द नेटिव इन्वायरमेंट तो जो ये इन्वैसिव स्पीशीज़ होती हैं ये नेटिव इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करती क्योंकि ये डोमिनट होने की कोशिश करती हैं ऑब्वियसली कुछ केमिकल्स वगैरह को भी प्रोड्यूस करेंगी कॉम्पिटिशन भी लेकर आएंगी सेकेंड पार्ट है गिव द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड फ्लोरल कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ द हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स ऑफ द इंडिया ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हॉटस्पॉट या हॉटेस्ट हॉट स्पॉट का नाम तो पढ़ लेते हैं पर ये नहीं पढ़ते कि उनके अंदर कंटेंट क्या है मटेरियल क्या है तो ये आपको यहाँ पे डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड मेरिट्स ऑफ द न्यूमेरिकल टेक्सोमोमी आप देख रहे हो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है वाट इज क्लैडस्टिक हाउ क्लैडस्टिक इज इंपॉर्टेंट इन प्लांट क्लासिफिकेशन Discuss the role of anatomy and secondary metabolites in plant taxonomy with example. Uske baad hai principle of conservation. Question number 8 diya I discuss the main features of APG4 classification and role of molecular biology in phylogenetic classification. Second part here discuss the origin and evolution of angiosperm with special reference to cytonellian and pentozylenian theories. क्वेश्चन नंबर नाइन है डिस्कस द कॉजिज एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द एक्सटिंक्शन क्यों होती है प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी एंड इट्स लिमिटेशन एंड एंडमिज्म एंड इट्स कॉज क्वेश्चन नंबर टेन है व्हाट इज बायो पायरेसी राइट ब्रीफ अबाउट द बायो पैरेसी ऑफ इंडिजीनियस मेडिसिनल प्लांट बाय द देश्स व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ हॉटस्पॉट हॉट किसी भी जगह को हॉटस्पॉट कब कंसीडर करते हैं क्या कोई ऐसे क्राइटेरिया हैं क्या उसका एरिया डिफाइन होता है क्या नंबर ऑफ स्पीशीज डिफाइन होती है वो आपको यहाँ पर बतानी है और अगेन क्वेश्चन है लोकल प्लांट डाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस तो यहाँ पर भी दस क्वेश्चन हैं और आपको इसमें से फाइव क्वेश्चन को क्या करना है अटैम्प्ट करना है अब यहाँ पर ये यह बहुत पुराना क्वेश्चन पेपर मुझे मिला इसको भी मैंने आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं बैंथम एंड हुक्कर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में है साथ में मेरिट्स और डी मेरिट्स हैं दूसरा क्वेश्चन फेनेटिक फाइलोजेनेटिक सिस्टम और पेलिनोलॉजी इन टेक्सोनॉमी के ऊपर है तीसरा क्वेश्चन जो है वो वेरियस कैटेगरी जो भी टेक्सोनॉमिक हिरार की होती है उसकी जो वेरियस स्टेप्स हैं जैसे आप बोलते हैं स्पीशीज़ है जीनस है फैमिली है ऑर्डर है क्लास है डिवीज़न है किंगडम है, है इसको एक्सप्लेन करना है और साथ में स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के बारे में आप बताओगे इसके ऊपर मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फोर यहां पर दिया हुआ है यू हैव टू डिस्कस डिस्कसिजन बद विध रिस्पेक्ट टू वेलियन ऑरिजन जो है वो बताना है, वो बताना है का क्वेश्चन नंबर फाइव है डिस्कस द रोल ऑफ एनाटमी इन प्लांट एक्सोनोमी विद सुटेबल एग्जाम्पल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया हुआ है व्हाट डू यू नो अबाउट द फॉलोइंग हर्बेशियस ओरिजिन थ्योरी ऑफ एंजिस्पम इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ सेवन क्वेश्चन है आपके पास एनवायरमेंटल स्टेटस ऑफ द प्लांट्स विच इज बेस्ड ऑन द आई यू सी एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स बी पार्ट है एक्सटेंक्शन क्वेश्चन नंबर एट है आपके पास रोल ऑफ साइटोलॉजी इन टेक्सॉनोमी स्ट्रेटजीज फॉर एक्सटी टू कंजर्वेशन गिव द आउटलाइन फॉर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्ड इन द न्यूमेरिकल टेक्स आप देख रहे हैं कितनी बार न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी के ऊपर क्वेश्चन जो है वो आ रहा है और क्वेश्चन नंबर टेन दिया हुआ है एंगुलर एंड प्रैंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और साथ में टाइप मेथड तो आप इतना तो आइडिया लगा ही रहे होंगे कि जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो बार 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 रिपीट हो रहे हैं जो भी आपको पी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ये जो पीडीएफ है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं So thank you so much. Thank you.